चलो देखते हैं कि वीगनिज्म क्या है। वीगनिज्म एक तत्वशास्त्र और जीवन का तरीका है जो जहाँ तक संभव और व्यावहारिक है जानवरों पर सभी प्रकार के शोषण और क्रूरता का बहिष्कार करता है, चाहे वो शोषण और क्रूरता भोजन, कपड़े या किसी अन्य उद्देश्य के लिए हो। और विस्तार से मनुष्यों, जानवरों और पर्यावरण के लाभ के लिए पशुमुक्त सामग्री के विकास और उपयोग को बढ़ावा देता है। आहार के संबंध में कहे तो सभी पशु पदार्थों का बहिष्कार करना, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वीगन वो लोग हैं जो जानवरों के कारावास, गुलामी, दुर्व्यवहार, विकृत शोषण और अनावश्यक हत्या में कोई भी रूप में समर्थन नहीं करते और वे अन्य लोगों को ऐसे करने के पैसे भी नहीं देते। लेकिन क्यों? कोई भी जानवरों को कैद करना चाहेगा, उन्हें गुलाम बनाना चाहेगा, उनके साथ दुर्व्यवहार करना चाहेगा, उनका अंग भंग करना चाहेगा, उनको शोषण करना चाहेगा, उन्हें यातना देना चाहेगा और उन्हें मारना चाहेगा, जबकि हम जानते हैं कि वे दर्द और पीड़ा महसूस कर सकते हैं, उनमें भी भावनाएं और रिश्ते नाते हैं। वे किसी को हानि नहीं पहुंचाते, वे निर्दोष होते हैं जो सिर्फ अपने परिवार और दोस्तों के साथ स्वतंत्र जीवन जीना चाहते हैं। मेरा मतलब है कि कोई इंसान ऐसा नहीं करेगा। मानवता का अर्थ दयालु और उदार है, लेकिन दुर्भाग्यवश मनुष्य जानवरों पर यह सब कर रहे हैं, हर दिन, हर घंटा, हर मिनट और हर सेकंड। और इसीलिए वीगन लोग किसी भी प्राणी जैसे कि मुर्गी, बकरी, गाय, भैंस, टर्की, सुअर, मछली के मांस का उपभोग नहीं करते हैं और अन्य पशु पदार्थ जैसे अंडे, शहद और डेयरी उत्पाद जैसे पशु दूध, मक्खन, पनीर, घी, आइसक्रीम, पैकेज्ड खाद्य पदार्थ जिसमें मिल्क सॉलिड्स हों, इन सभी चीज़ों का भी उपभोग नहीं करते। पूरी रूप से या आंशिक रूप से ऊन, रेशम, चमड़े, फर आदि से बनाए हुए कपड़े नहीं पहनते हैं। ऐसे उत्पादों का उपयोग नहीं करते जिनको बनाने के लिए जानवरों पर प्रयोग किया गया हो। सर्कस या मनोरंजन व्यवस्थाएं का समर्थन नहीं करते जहां जानवरों का उपयोग किया जाता है और फालतू जानवरों और अन्य जानवर के प्रजनन, खरीदी और बिक्री का आशय नहीं करते। ये सारे जानवरों का शोषण, पीड़ा और मृत्यु का परिणाम है। यहां तक देखने के बाद हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि आपके लिए वीगन होना मुश्किल या असंभव है, लेकिन एक बार जब आप ये सोचना शुरू कर देते हैं कि आप क्या चाहते, यदि आप इन संवेदनशील प्राणियों के स्थान पर थे जिन्हें सभी प्रकार के अत्याचारों और अन्याय के अधीन किया जा रहा है, आप न्याय चाहते और जानवरों के लिए न्याय मतलब वीगनिज्म है। क्या आप सोच रहे हैं कि जानवरों की कोई अहमियत नहीं है या ये हमेशा इस तरह से ही रहा है, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं या उन्हें ऐसे ही जीवन मिला है? ये उनका दुर्भाग्य है, हम दया और सहानुभूति के अलावा और कुछ नहीं कर सकते हैं। नहीं, सब कुछ हमने ही किया है। जानवरों का इतना बुरा तरीके से पीड़ित बनने का कारण मनुष्य ही है। पशुओं को भी अहमियत है, वैसे ही जैसे कुत्ते और बिल्ली, जैसे रॉयल बंगाल बाघ और खूबसूरत मोर को अहमियत है। कभी सोचा है कि इंसान भेदभाव क्यों करता है कुत्ते और बकरियों में
बिल्लियों और सुअरों में, मोर और मुर्गियों में। इसे स्पीशीजिज्म कहा जाता है। स्पीशीजिज्म का अर्थ है प्रजातिवाद। प्रजातिवाद प्रजातियों की सदस्यता के आधार पर, जैसे नस्लवाद और लिंगवाद है, वैसे ही एक अन्यायपूर्व भेदभाव है। जबकि सभी संवेदनशील प्राणी, इंसान हो या जानवर, प्यार और दर्द महसूस कर सकते हैं और वे मरना नहीं चाहते, उन सभी को उस अधिकार नहीं दिया गया जो सभी संवेदनशील प्राणियों की मूल अधिकार है, स्वतंत्रता से जीने का अधिकार, बिना उनके साथ वस्तुओं की तरह व्यवहार करे। प्रजातिवाद एक सामाजिक बुराई है जिसे लगभग सभी मनुष्यों के चित्त में उनके बचपन से ही बिठाया गया है। दूसरे सामाजिक बुराइयों की तरह प्रजातिवाद को भी पूरी तरह से नाश करना आवश्यक है। हम इंसानों की पीड़ा देख और पहचान सकते हैं। हम समझ सकते हैं कि ये पीड़ा कितनी असहनीय हो सकती है और हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि ये हमारे साथ हो। हम उस व्यक्ति को उस पीड़ा से बाहर निकलने की भी इच्छा रखते हैं। जब कोई उचित कारण के बिना दूसरों पर दर्द और पीड़ा थोपता है तो हम उसे गलत मानते हैं। तो हम जानवरों की पीड़ा क्यों नहीं देख पाते? वो दर्द में चिल्लाते हैं, उनके शारीरिक लक्षण से पता चलता है कि वे डर रहे हैं या कुछ है। हम क्यों नहीं समझ सकते हैं कि ये गलत है? और हम क्यों नहीं रोक सकते जो भी हम इनके साथ कर रहे हैं, जाने या अनजाने में? हम पौधे आधारित आहार पर संपूर्ण और उत्तम रीति से जीवन बिता सकते हैं। धरती पर हजारों तरह की खाद्य पौधे हैं। पौधे आधारित आहार स्वास्थ्य भी है, जो दुनिया भर के वीगन, वीगन खिलाड़ियों, वीगन बॉडी बिल्डर, वीगन डॉक्टर और वीगन पोषण विशेषज्ञों द्वारा साबित किया गया है। पौधों से हम आवश्यक सभी पोषण, जैसे कि कैल्शियम, पोटेशियम, प्रोटीन, आयरन इत्यादि प्राप्त कर सकते हैं। जानवरों का शोषण करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आपको स्वाद का भी त्याग नहीं करना पड़ेगा। स्वाद का आनंद लेने के लिए बहुत सारे पौध पदार्थ हैं। लगभग सभी गैर वीगन पदार्थों का वीगन पर्याय भी उपलब्ध है, जैसे पौधे आधारित दूध, दही, चीज, पनीर और यहाँ तक कि पौधे आधारित मांस आपके आसपास के स्टोर में खरीदा जा सकता है या ऑनलाइन ऑर्डर किया जा सकता है। इनके लिए आपको बस एक नज़र रखना है। यदि आप अभी भी यकीन नहीं कर पा रहे और आपके दिमाग में संदेह है, जैसे एक व्यक्ति से कोई फर्क नहीं पड़ता, यह जानवर पहले से ही मर चुका है, या दूध पहले से ही गाय से निकाला गया है, शहद से क्या गलत है, ऊन प्राप्त करने के लिए इसे बाल काटते हैं, घुड़ सवारी के लिए ही घोड़ा बनाया गया है, गायों का दूध निकालना जरूरी होता है, आपको बहुत सारे सवाल दिमाग में आ रहे होंगे। मैं बस ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि वीगनिज्म के खिलाफ कोई काउंटर तर्क नहीं है और वीगनिज्म सभी के लिए है। लोग पशु अधिकार और वीगनिज्म पर लंबे समय से तर्क वितर्क कर रहे हैं और सभी सवालों का पहले से ही जवाब दिया हुआ है। मैं आपको कुछ शोध करने के लिए अनुरोध करता हूँ और आपके सभी सवालों का उत्तर मिल जाएंगे। मैंने नीचे कुछ वीडियो के लिंक दिए हैं जो ज़्यादातर लोगों को आने वाले कुछ संदेह के बारे में हैं। अब जब आप कुछ ऐसी वस्तु खरीदने जा रहे हो जो शायद आपको पता है कि वो वीगन नहीं है, तो याद रखें कि आपका पैसा आपका वोट है। हर बार जब आप कुछ ऐसा खरीदते हैं जो पूरी तरीके से या आंशिक रूप से जानवरों से प्राप्त होता है, तो आप वास्तव में पीड़ा करने वालों को, पीड़ितों पर और ज़्यादा पीड़ा और चोट पहुँचाने को कह रहे हैं। हर पल जब आप वीगन बनने में संकोच करते हैं, आपके लिए निर्दोष जानवरों का हानि किया जा रहा है और उनको मारा जा रहा है। हालांकि आप इसे बदल सकते हैं और बदलाव इसी पल से शुरू कर सकते हैं। कृपया वीगन बने और इंसाफ के साथ खड़े रहें।